तो सबसे पहले बात लखीमपुर केस में आए क्लाइमेक्स की करते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लखीमपुर कूच क्यों है? अखिलेश यादव को इंसाफ की उम्मीद क्यों नहीं है? लखीमपुर का मुद्दा जिंदा रखना विपक्ष की मजबूरी आखिर क्यों? लखीमपुर केस में जारी एक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए न्यूज टॉप 9 यूपी की लड़ाई। मोहाली से लखीमपुर कूच करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को काफिले के साथ सहारनपुर में रोक लिया गया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया। लखीमपुर की घटना के बहाने नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। उत्तराखंड और हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लखीमपुर के लिए कूच किया। उत्तराखंड के मार्च की अगुवाई करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत के काफिले को बरेली में रोक लिया गया। लखीमपुर हिंसा केस में आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, तो आज पुलिस ने दो लोगों से पूछताछ भी की है। वहीं गिरफ्तारी की लिस्ट में शामिल तीन लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में आतंकियों और पीड़ितों के अलावा एफआईआर और अभी तक की जांच का पूरा ब्यौरा होगा। अब कल इस मामले की सुनवाई होगी। लखीमपुर कांड की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। उनके नाम की घोषणा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी में ही होगा, जो दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। लखीमपुर कांड के मृतक किसान लवप्रीत के परिवार ने भी पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। लवप्रीत के माता पिता का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज लखीमपुर में अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जब गृह राज्य मंत्री खुद लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने अखिलेश यादव के काफिले को लखीमपुर में एंट्री करने से रोक दिया। अखिलेश यादव की कार समेत चार वाहनों को परमिशन दी गई। इस सख्ती से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और काफी देर तक एलआरपी चौक पर हंगामा किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।